राजा आशीष जी, आप संक्षिप्त में वोट को अपनी जानकारी दीजिए। सर, मेरा नाम राजा आशीष है, मैं ग्राम रायपुर का निवासी हूँ। सर, मैंने अपने स्नातक बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग में रायपुर से किया है। मैं सबसे पहले आपका रीजन जानना चाहूंगी कि माइनिंग इंजीनियरिंग जिसमें काफी स्कोप है हमारे यहाँ, ऐसी इंजीनियरिंग को आप छोड़ के सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? राज्य सेवा में काम चाहिए। राज्य सेवा से मुझे बचपन से लगा रहा है और मैं इसमें काफी इंटरेस्टेड हूँ। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि लोगों से जुड़कर काम करूँ और शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी। अच्छा, ठीक है। तो आप एजुकेशन फील्ड में ऑलरेडी जुड़े हुए थे, है ना? तो आप एक तरीके से समाज से जुड़े ही हुए हैं, क्योंकि आप ऐसे कई इंजीनियर्स आप पढ़ा रहे हैं और उन्हें बना भी रहे हैं। तो फिर ये प्रोफेसर वाले फील्ड में आप आगे क्यों नहीं गए? मेरा इंटरेस्ट प्रशासन में है। मुझे लगता है कि मैं जितना बल्कि और जितना इनोवेशन के साथ लोगों तक पहुँच सकता हूँ, वो अपना प्रशासन ही है। अच्छा, टीचर की जॉब को तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है और हमारे यहाँ जैसे जो हम देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है बहुत काफी डिप कर रहे हैं, एडमिशन वगैरह नहीं हो रहे। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे सारे इंजीनियर्स उठ के राज्य सेवा में आ जाएंगे तो फिर प्रासंगिकता कैसे रहेगी जो आपने इंजीनियरिंग की है उसकी? फिर इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या मतलब? ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कैसे यूज करेंगे माइनिंग इंजीनियरिंग का प्रशासन में? कौन कौन से पोस्ट हम सेलेक्ट हो गए, ये सबको यूज करोगे आप? सर, अगर मैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयन हो तो उनके एसटीएम वगैरह बना दिया जाता है या किसी विभाग का खनन विभाग का अकाउंट ऑफिसर बन जाओगे। आपको प्रशासन में ही आना है कि गवर्नमेंट जॉब में आना है, ये तय करिए आप। सर, प्रशासन में। आपने अकाउंट ऑफिसर को फिर कौन से पोस्ट में रखा है? डिफेंस में। डिफेंस में रखा है। छठवें नंबर। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये जानना चाहती हूँ कि माइनिंग एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे भी काफी छत्तीसगढ़ में चल रही है, तो कौन कौन से माइनिंग प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चलते हैं, किन किन का हम माइनिंग करते हैं छत्तीसगढ़ में? हम सबसे ज्यादा कोयले का माइनिंग करते हैं, उसके बाद आयरन ओर है कि कोल सबसे ज्यादा हम करते हैं, उसके बाद आयरन। और इसके अलावा हम बॉक्साइट का प्रोडक्शन करते हैं, टीन निकाल रहे हैं, डोलोमाइट निकाल रहे हैं, चूना पत्थर सबसे ज्यादा। लाइमस्टोन का अभी हाल फिलहाल में कुछ एक आया था कि हम शायद कुछ दुर्ग जिला में कुछ बोल रहे लाइमस्टोन का, लाइमस्टोन की खदान मिली है समथिंग, कुछ ऐसा रिलेटेड आया। दुर्ग जिले से तो बस एक ही याद आ रहा है कि तो गंदनी कुदनी माइंस का वहां कितनी जगह बनाया जा रहा है। ठीक, तो मतलब वो रेड पूरा खाली हो गया है, तो लाइमस्टोन और कहां हम देख रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि लाइमस्टोन काफी है। बलौदा बाजार जिले में सबसे ज्यादा। और लाइमस्टोन से फिर क्या हमको बाय प्रोडक्ट मिलता है? सीमेंट। ठीक है, तो कहाँ सीमेंट इंडस्ट्रीज की सबसे ज्यादा आप पाए जाते हैं हमारे यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री? बलौदा बाजार। और रायपुर? रायपुर लेकिन बलौदा बाजार में ज्यादा। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप तो माइनिंग इंजीनियर हैं, तो लाइमस्टोन की सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी जो है किस एरिया में ही क्यों है, मतलब मैदानी इलाके में क्यों? बेसिकली जो लाइमस्टोन है वो कड़प्पा क्रम के साय समूह वाले चट्टानों का है और छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वो कड़प्पा साय समूह। ठीक है, आप आरंग से हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आरंग में अगर मैं आती हूँ घूमने के लिए तो मुझे पर्यटन स्थल बताइए कोई भी पांच जहाँ मैं घूम सकूँ। आठ देवल मंदिर है, पंचमुखी महादेव का मंदिर है, रुद्रेश्वर सिंह महादेव मंदिर है, दंतेश्वरी मंदिर है, शीतला माता मंदिर। ठीक है, तो ये पांचों जगह आप घुमाएंगे। ठीक है, और ये जो भानसोज आपका गांव है, तो भानसोज क्या है, तो भानसोज कुछ स्पेसिफिक नाम के पीछे रीजन? भान का मतलब कस्बा होता है, सोज का मतलब जो है वो सीधा रास्ता होता है उसको बोलते हैं। अच्छा, भानसोज जो है वो जो
रायपुर से जब जाते हैं एकदम सीधे सीधे में पड़ता है उसका राग था जी। और आपने खो-खो लिखा है, खो-खो के मैं कुछ प्लेयर्स के नाम लेना चाहूंगी, इंडियन लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ से तरुण मेहराम है जो 16 साल के हैं, नेशनल लेवल पर सरिता काले हैं, सुदन है, करमवीर सिंह। खो-खो के अलावा और क्या करते हैं आप हॉबी में? क्योंकि जहाँ आप पढ़ाने जाते हैं मुझे तो नहीं लगता कि वो खो-खो खेलते होंगे या बच्चों को खिलाते होंगे, ये हॉबी अपनी कम पूरी कैसे करते हैं? वहीं करता हूँ, यूनिवर्सिटी में बच्चों को सिखाते हैं? मैं उनके साथ खेलता हूँ, सिखाता हूँ। अच्छा, इसके अलावा और कोई हॉबी होगी? इसके अलावा अच्छा एक प्लेयर है खो-खो में आशीष नाम से, उनके बारे में जानते हैं? जानकारी मैं अपनी मम्मी का रेगुलर कराने के लिए बहुत ज्यादा जो है प्रशासनिक व्यवस्था में घुमा, कलेक्ट्रेट मंत्रालय यहाँ सब घुमा सर। उस दौरान तो मैंने देखा प्रशासनिक अधिकारियों में वर्क कल्चर, तो मुझे काफी अच्छा लगा सर, तब से मैं इस तरह। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम खो-खो।